राजस्थान की सियासत में अब अगला एक महीना कांग्रेस की नीति, रीति, दिशा और दशा सब तय कर देगा। साथ ही गहलोत और सचिन प्रकरण में अब क्या होगा ये भी साफ हो जाएगा। कई बड़े बड़े मीडिया हाउस ने ये चलाया था कि 10 तारीख को बजट से पहले कांग्रेस में कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान कहा यह भी गया था कि मोदी की होने वाली सभा में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। क्या वाकई में ये बड़ी वजह रही कि मोदी की सभा 12 फरवरी को रखी गई ताकि कांग्रेस में जो होना है उसका इंतजार किया जाए और अगर वादे पूरे ना हो तो कठोर फैसले लिए जाए। क्या सच में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मोदी की सभा में बीजेपी ज्वाइन करेगा? दरअसल सभी का इशारा सचिन पायलट की तरफ था। हालांकि ये सच है कि जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा पर मामला दर्ज हुआ और सचिन समर्थक विधायक गुड़ा के समर्थन में गहलोत के खिलाफ हुए, हरीश चौधरी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, ऐसे में अगर सचिन बीजेपी में जाते हैं तो फिर कांग्रेस में कम से कम 30 विधायक भविष्य को देखते हुए कांग्रेस छोड़ देंगे। क्योंकि सचिन अगर बीजेपी में जाते हैं तो सचिन को बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री का चेहरा। असम का फॉर्मूला कर सकती है राजस्थान में लागू। एमपी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं सीएम फेस। कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को बीजेपी करना चाहती है पूरा। ऐसे में राजस्थान में ही है कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत और राजस्थान कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं सचिन पायलट। बीजेपी ये लंबे वक्त से चाह रही है, लेकिन सचिन कांग्रेस छोड़ना नहीं बल्कि कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस में रहते हुए अशोक गहलोत से बदला लेना चाहते हैं। हालांकि अभी ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हो सकता है कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो क्या समीकरण होंगे? सचिन ग्रुप की कितनी सीटें आएंगी? क्या सचिन अपने दम पर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।